नमस्कार। अब के दो हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अजय राय को नामित किया गया। पदभार ग्रहण करते ही पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ा था और अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों में सबसे बड़े उलटफेर के तौर पर अमेठी के चुनाव परिणाम को माना गया। वायनाड से राहुल गांधी 4,00,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से तो चुनाव जीत गए, लेकिन अपने परिवार की परंपरागत सीट वो नहीं बचा पाए। और बाद में उन्होंने एक बयान भी चुनाव के समय दिया था कि उत्तर भारत के लोग असल मुद्दों पर चुनाव या असल मुद्दों पर वोटिंग नहीं करते हैं, दक्षिण भारत के लोग करते हैं, उससे भी क्या बवाल मचा था। उन दिनों भी मैं अमेठी का माहौल क्या है जानने के लिए कई बार आया था और आज घोसी से लखनऊ जाते वक्त जब अमेठी रास्ते में पड़ा तो मुझे लगा कि एक बार अमेठी के लोगों के बीच से माहौल क्या है जानने की कोशिश करना चाहिए। मैं SDM ऑफिस, आप बोर्ड देख ही रहे, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर कुछ वकील साहब लोग मेरे बोलने तक इकट्ठा हो गए, तो यहीं से शुरू करता हूँ। वकील साहब, मैं आया ये जानने के लिए कि अजय राय ने कहा राहुल गांधी फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, फिर दीदी स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीतेंगी। और राहुल गांधी को अगर अपने में कुछ लगता हो कि अगर है हिम्मत तो अमेठी आएं और एक बार फिर अमेठी से हार कर वापस जाएं, हम लोगों की तमन्ना यही है। कि एक बार और हार के जाएं, चूंकि जितना 15 साल राहुल गांधी को बर्बाद करने का काम किया, एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। और उसके पहले 5 साल उनकी मम्मी ने, 5 साल उनके प्रधानमंत्री के जो है राजीव जी के दोस्त कैप्टन सतीश शर्मा ने, 25 साल युवाओं का बहुत बर्बाद हुआ। विकास तब संभव हुआ जब दीदी स्मृति ईरानी 14 में अमेठी आई और मंत्री बनी। 14 से लगातार दीदी का आशीर्वाद अमेठी पर बना रहा और अब जो है जाके धीरे धीरे अमेठी पटरी पर लौट रहा है। आप बताइए वकील साहब, जो कह रहे हैं आप, इनसे सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं, 100% एकदम सहमत हैं। इस बार जो है स्मृति ईरानी फिर बम्पर वोटों से यहाँ विजयी होंगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर धरातल पर विकास करके दिखा दिया है। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल सब सहमत हैं। राहुल गांधी से कौन सहमत होगा, राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं, केवल लंबा जा रहे हैं। तो हाय हेलो करके राहुल गांधी ने अमेठी को मूर्ख बनाया है बस। कोई विकास नहीं किया, विकास के नाम पर कुछ है ही नहीं अमेठी। 15 साल में कितनी बार आए हम, वैसे जैसे पहले जंगल राज था वैसे आज भी जंगल दिखाई देता। अमेठी में बाहर निकल के देखिए, अमेठी में कुछ है ही नहीं। तो ये 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ? 5 साल में 1-2 बाईपास बढ़िया बने हैं, थोड़ा रेलवे बन गया, काफी विकास हुआ, लेकिन कि उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। एक जैसे 24 में क्या हो, 24 में फिर जीतेगी भाजपा, जीतेगी तो भाजपा, लेकिन ये है कि उस हिसाब से जैसे चाहिए कि हाई लेवल का ये अमेठी है तो हाई लेवल का विकास नहीं हुआ है। और आप क्या मानते हैं 24 में अमेठी से राहुल जी आए तो? वकील साहब, आप वकील हैं कि मुवक्किल हैं? मैं वकील हूँ, मेरा नाम राजेश पांडे है। 2024 का इलेक्शन बहुत टफ होगा और भाजपा के लिए बहुत ही टफ होगा, क्योंकि 70 सालों में जिस 70 साल की ये बात करते हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ें थी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बेच के सबको लाचार कर दिया। रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं, चाहे बीटेक एमटेक करके 10,000 लेबर को भी नहीं मिलता है आजकल, और 10,000 पे नौकरी कर रहे हैं, वो अपना पेट पालेंगे कि अपने घर का या परिवार का? तो निश्चित तौर पे इन 9 सालों में जो कुछ इन्होंने किया वो आम जनता के गिरफ्त से सब कुछ बाहर है। 10% उसमें बहुत मजबूत हुए, 90% हैंड टू माउथ हो गए हैं। चलिए ठीक है, अब मैं जरा अमेठी के दूसरे तरफ चलता हूँ।